हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का अपना टॉपिक है सेफ्टी रूल्स इन शेयरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर के हैंडलिंग के टाइम में या ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टोरेज के टाइम में हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स वहां पर चेक करेंगे, क्या क्या सेफ्टी हम देखेंगे, आज हम उसके बारे में बताएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑल सेफ्टी के बारे में, हम ऑल अबाउट सेफ्टी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये वीडियो को जब आप पूरे देखते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर के सेफ्टी के बारे में फुल प्रिकॉशन आज आपको पता चलेगा। अगर ये वीडियो ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का आपको अच्छे अच्छे वीडियो हम देते रहें। यहाँ हम सबसे फर्स्ट में देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की सेफ्टी के बारे में। ऑक्सीजन सिलेंडर शुड नॉट बी केप्ट नियर कम्बस्टेबल मटेरियल। ऑक्सीजन सिलेंडर को कभी भी जलने वाले सामान के पास में नहीं रखना है, नज़दीक में नहीं रखना है। ऑक्सीजन सिलेंडर को हमेशा जलने वाले सामान से दूर रखना है। सेकेंड में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर शुड नॉट बी हैंडल विथ ग्रेसी हैंड्स एंड ग्लव्स। ऑक्सीजन सिलेंडर कभी भी हम हैंडल करेंगे तो ग्रेसी हैंड्स और ग्लव्स, जिसमें ग्रीस वगैरह लगा हो, उस ग्रीस वाले हाथ से और ग्लव्स से कभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर को हैंडल नहीं करना है। ऑक्सीजन से और ऑयल से, ग्रीस से इसका रिएक्शन बहुत तगड़े होता है, जिससे आपका हाथ एकदम जल जाएगा और हाथ को, हैंड को काटना भी पड़ सकता है। थर्ड में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर एंड देयर फिटिंग शुड नॉट बी टेस्टेड विथ वाइल बेस्ड सोप सॉल्यूशन। ऑक्सीजन सिलेंडर के फिटिंग को कभी भी हम लीकेज को वाइल बेस्ड सेफ सॉल्यूशन, मतलब तेल वाले बेस्ड सेफ सॉल्यूशन, तेल से बना हुआ सेफ सॉल्यूशन से हम कभी भी चेक नहीं करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर एंड अदर कम्बेस्टेबल गैस सिलेंडर शुड नॉट बी स्टोर्ड टुगेदर। ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा जो सिलेंडर होता है, जैसे कम्बस्टेबल सिलेंडर, एक एसिटिलीन आप मान लो, एलपीजी मान लो, ये दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी सिलेंडर या एसिटिलीन सिलेंडर, इसको कभी भी एक साथ नहीं रखना है। दोनों को अलग अलग स्टोर करके कम से कम बीच में एक पार्टीशन होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं द टॉप कवर ऑफ सिलेंडर शुड बी केप्ट इन पोजिशन एंड स्क्रू सेफली वेन नॉट इन यूज। एक सिलेंडर का जो टॉप कवर होता है, ऊपर में जो हम उसके वाल्व के सेफ्टी के लिए हम लगा के जो रखते हैं, तो उसका पोजीशन हमेशा वो स्क्रू सेफली होना चाहिए, हमेशा बंद होना चाहिए। उसके ऊपर का जो कवर होता है ना ऑक्सीजन सिलेंडर के, जहाँ से हम होस कनेक्ट करते हैं वहाँ पे एक कवर होता है ऊपर में, तो वो हमेशा स्क्रू होना चाहिए, अच्छे से टाइट होना चाहिए, और यूज ना हो तो हमेशा ऊपर से कवर होना चाहिए वाल्व के ऊपर। सेकेंड हम देख रहे हैं सिलेंडर शुड नॉट बी यूज एज रोलर्स। सिलेंडर को कभी भी हम रोलर के जैसे हम नहीं लेके जाएंगे, सिलेंडर को हमेशा अपराइट पोजीशन में लेके जाएंगे। उस ऑक्सीजन मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर वेंटिलेटेड कन्फाइंड स्पेस। ऑक्सीजन सिलेंडर कभी भी हम वेंटिलेटिंग कन्फाइंड स्पेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिलेंडर शुड कवर बाय डायरेक्ट सनलाइट। सिलेंडर को हम कभी भी ओपन एरिया में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। उसके ऊपर मिनिमम कम से कम आपको फायर ब्लैंकेट से कवर करके रखना है। अगर जो ओपन एरिया में हम काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर को हम कभी भी ऐसे खुले में डायरेक्ट सनलाइट में, कोई भी सिलेंडर हो, ऑक्सीजन हो या कम्बस्टेबल हो, कोई भी सिलेंडर हो, तो उसको हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। उसके ऊपर कम से कम हम फायर ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर सेपरेट पैलेस। ऑक्सीजन सिलेंडर को हमेशा सेपरेट पैलेस पे ही स्टोर करना है, वहाँ पे एकदम विजिबिलिटी रखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर किया गया है और अच्छे से उसका एक शेड बना के वहाँ पे अकेले सिंगल में सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टोर करना है। तो ये कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, कुछ हैंडलिंग के बारे में, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे हैंडलिंग करते हैं, उसको यूज के दौरान क्या क्या हम उसमें सेफ्टी देखते हैं, उसके बारे में ये कुछ पॉइंट था। अगर ये वीडियो का जो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम ऐसे ही देते रहें।